एमपी में चुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने निकाल लिया घंटी वाला फार्मूला। अब ये क्या घंटी वाला फार्मूला है जिससे बीजेपी को जीत की उम्मीद नजर आ रही है और बीजेपी इस पर बड़ी गहराई से काम भी कर रही है। जी हाँ, ये घंटी बजाओ वाला फार्मूला है और इस घंटी बजाओ वाले फार्मूले में पीएम मोदी के नाम का समर्थन जुटाया जाएगा। पीएम मोदी के समर्थन में मिस्ड कॉल दिलवाई जाएगी और उसके बाद बीजेपी को मध्य प्रदेश में भी उम्मीद है केंद्र के साथ साथ। दरअसल इंदौर में इसको लेकर बीजेपी की एक बड़ी मीटिंग हुई और बीजेपी में आपको पता ही हाल में बड़ी बैठक कोर कमेटी की भी हुई थी राजधानी भोपाल में, जिसमें कई फैसले लिए गए। लेकिन ये घंटी बजाओ और चुनाव जिताओ वाला फार्मूला क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। दरअसल इसमें बीजेपी माइक्रो लेवल पर जमीनी स्तर पर काम करेगी, जिसमें अकेले मिस्ड कॉल के जरिए समर्थन नहीं जुटाया जाएगा, क्योंकि पीएम मोदी के कार्यकाल के 9 साल हो रहे हैं। उस पर पार्टी जो है केंद्र सरकार की उपलब्धियों से लेकर मध्य प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को लेकर घर घर जाएगी और जिन परिवारों के बीच में जाएगी वहां फोटो भी खिंचवाई जाएगी, यानी कि कनेक्शन जो हो लोगों से। बीजेपी नेता बता रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी की ये रणनीति क्या है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 9 साल पूरे होने जा रहे हैं और उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी महाजनसंपर्क अभियान के माध्यम से अपने किए हुए कामों के माध्यम से जनता के बीच में जाने वाली है, इंटेलेक्चुअल्स के बीच में जाने वाले हैं, इन्फ्लुएंसर्स के बीच में जाने वाले हैं और साथ ही साथ लोकसभा स्तर पर बड़ी सभाएं भी होंगी और हम लोग मिस कॉल दे के फिर से हमारा सदस्यता अभियान भी चालू करने वाले हैं। एक बहुत बड़ा अभियान माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 9 साल सुशासन के, 9 साल डेवलपमेंट के और भारत का जो एक प्रतिष्ठा पूरे देश में ही नहीं दुनिया में बनी है उसको लेके भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता इसमें लगने वाले। तो आपने सुना कि बीजेपी की रणनीति ये साफ तौर पर है, जिसमें जमीनी स्तर पर लोगों को जोड़ना है, मिस्ड कॉल हो या फिर चाहे लोगों के घर जाकर सेल्फी खिंचाने वाली बात हो। मध्य प्रदेश में चुनावी साल है और बीच में ऐसी स्थिति कई बार आई है कि जब लग रहा था किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा तो सीएम शिवराज तो हैं ही, लेकिन पीएम मोदी के नाम का, पीएम मोदी के चेहरे का मध्य प्रदेश की बीजेपी को बहुत भरोसा है। यही वजह है कि मतदाताओं के बीच में चुनावी वर्ष में बीजेपी पीएम मोदी के नाम पर ही समर्थन जुटाती हुई ज्यादा नजर आएगी। पार्टी की अहम बैठक में ये सब कुछ तय हुआ है, लेकिन उस अभियान में घंटी बजाने से लेकर जो मिस्ड कॉल देने की बात मैं कर रहा हूँ, सेल्फी खिंचाने तक, ये तमाम कई चीजें हैं। यानी कि चुनावी साल में बीजेपी अब धीरे धीरे अपने पत्ते खोल रही है। कांग्रेस अपनी कर्नाटक की जीत के बाद तो शायद है, लेकिन बीजेपी के पत्ते अब धीरे धीरे खुल रहे हैं कि बीजेपी किस तरीके से जमीनी स्तर पर जाएगी, लोगों को जोड़ेगी। और एक बीजेपी की जो उम्मीद भी है कि अगर लोगों से सीधा संवाद होगा, खासतौर से केंद्र सरकार की योजनाएं, पीएम मोदी के चेहरे का जिक्र, पीएम मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियां और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में किए गए काम, इन दोनों चीजों को लेकर अगर पार्टी मतदाताओं के बीच में जाएगी तो अब संपर्क करने के लिए बात आती है। तो चुनाव में तो लोग डोर टू डोर जाते हैं, लेकिन ये रणनीति जमीनी स्तर पर पहले बनाई गई है, जहां घर जाकर सेल्फी भी खिंचाई जाएगी और मिस्ड कॉल के लिए नंबर दिया जाएगा, जहां ज्यादा से ज्यादा मिस्ड कॉल दिलाकर एक समर्थन जुटाया जाएगा। इंदौर से आप तक एक बार पहुंचाई हमारे समर्थन हरमेंद्र कुमार शर्मा ने, आप देखते रहे।